दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाएंगे जिसे देखकर आप भी इमोशनल हो जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें, ये वीडियो तुर्की का है और इस वीडियो में आपको एक टीचर और उनके स्टूडेंट्स की एक ऐसी कहानी दिखाई जाएगी जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, बाकी बात वीडियो के बाद करेंगे, पहले आप इस वीडियो को देखिए। Havacılık duayeni olan öğretmenim Selahattin Onal uçağımızda bizlerle. İnsanın öğretmenin kendi babası olması ayrı bir güzellikmiş. 20 yıl kaptan, 10 yıl pilot öğretmeni olarak benim gibi binlerce gence rehber oldu. Onları yetiştirdi. Buradan ona tüm öğrencileri adına sonsuz şükranlarımı sunuyor ve ellerinden öpüyorum. İyi ki varsın, iyi ki öğretmenimsin, iyi ki babamsın. Hocam, Türk Hava Yolları'nın Türk kaptanlarının öğretmenler. दोस्तों, इस वक्त ये जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो है एक एरोप्लेन के पायलट का। दोस्तों, आपको बता दें, इस एरोप्लेन का पायलट एक गरीब बच्चा था और वे अपने उस्ताद की बहुत रिस्पेक्ट किया करता था। उस बच्चे का ये सपना था कि वे बड़ा होकर एक पायलट बनेगा। उसके उस्ताद ने उसके साथ मेहनत की और आज रिजल्ट देखिए कि ये बच्चा बहुत ही अच्छा पायलट बन गया। और जब ये एक मर्तबा अपना जहाज उड़ाने वाला था तो इस जहाज में उसके उस्ताद भी मौजूद थे जिन्होंने उसको पढ़ाया था। दोस्तों, वे इस बात का अनाउंसमेंट करता है, सभी लोगों को बताता है कि मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे सबसे प्यारे टीचर हमारे एरोप्लेन में मौजूद हैं। मैं उनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और फिर एयर होस्टेस के ज़रिए उन्हें फूलों का गुलदस्ता भी देता है और बाद में उनके हाथ का बोसा भी लेता है। दोस्तों, एक उस्ताद बच्चों को पढ़ाने में और उनको कामयाब करने में अपना पूरा तन मन धन लगा देता है और पूरी मेहनत से उनको पढ़ाता है। और जब ये बच्चे पास हो जाते हैं और आगे कामयाब होते हैं तो उस वक्त को देख कर बड़े खुश होते हैं। देखिए इस टीचर को कि इसकी आंखों में कैसे आंसू आ गए और ये कितने इमोशनल हो गए। हमें भी अपने टीचरों को याद रखना चाहिए, उनकी मेहनत को याद रखनी चाहिए और उनसे मोहब्बत से बातचीत करनी चाहिए और अपनी हर खुशी में उन्हें ज़रूर शामिल करना चाहिए। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताएँ। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अस्सलामुअलैकुम।